आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने पहले से ऐसा घेर रखा था कि तीन चरण के चुनाव हो गए और अरविंद केजरीवाल इन तीन चरणों के चुनाव के दौरान जेल में ही रहे। अभी दो दिन पहले उनकी जो है वो अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं। वो अभी जो चुनावी जनसभा कर रहे हैं उसमें वो फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर करके आए हैं आम आदमी पार्टी के जो ये सीएम केजरीवाल हैं। एक चीज़ और बता दें हम कि अगर ये कहीं शुरुआती पहले चरण से ही अगर अरविंद केजरीवाल जो है बाहर होते तो बड़ा मुश्किल हो सकता था। इस समय जो सट्टा बाजार चल रहा है वो सट्टा बाजार 200 और 230 के आसपास का बताया जा रहा है। कई मीडिया संस्थानों ने भी इसका जिक्र किया है। फायदा मिलना चाहिए क्यों? क्योंकि देखो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है। झाड़ू का मतलब साफ सफाई। भ्रष्टाचारी जितने भी हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि मुझे उन सारे भ्रष्टाचारियों की साफ सफाई कर देनी है, तो फायदा तो मिलना निश्चित तौर पर उनका जायज है। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 21 दिन के जो उन्होंने दिया है जमानत दिया है 1 जून तक की, तो कोर्ट में भी ईडी को अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है। जमानत तो होनी ही थी, लेट हुई वो अलग बात है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और जमानत के बाद में केजरीवाल जी ने कल ही ऐलान कर दिया है कि मैं पूरे देश में जाऊंगा और भाजपा वालों की बैंड बजाऊंगा। आखिर इस सरकार में जो भी अच्छी नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों हमारे, चाहे शिबू सोरेन जी हों, और चाहे जो भी भाजपा का विरोध कर रहा है उसको जेल भेज रही है सरकार। ये सरकार जाने वाली है, इनकी सीटें 200 से 250 से ज़्यादा नहीं आ रही हैं। सरकार जा चुकी है, आधी जा चुकी है, आधी बची है, वो भी जाने वाली है 4 जून के बाद में। और 4 जून के बाद में ही इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जनता इस बार किसी नेता की लहर नहीं, जनता की लहर है, और जनता शांत तरीके से वोट दे रही है और बदलाव कर रही है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ, खासकर विपक्षी नेताओं के साथ हो रहा है देश में, और माननीय अदालतों ने संज्ञान लेते हुए उनको रिहा किया, सॉरी अंतरिम जमानत दे दी है, उस पर दिल्ली की जनता और खासकर उसके जो शुभचिंतक हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के, वो पूरी और ईमानदारी के साथ और कर्मठता के साथ लगेंगे, तो इससे आम आदमी पार्टी को फायदा देश में ज़रूर होगा। दिल्ली में तो होगा ही, समूचे देश में होगा, और जिनके साथ वो गठबंधन में रहेंगे उनको फायदा होगा। ये तो पूरी तरह से तय है। केजरीवाल के साथ पहली बात तो गलत हुआ है, जो बीजेपी सरकार ने इस तरह का घोर अन्याय किया है जो दुनिया के सामने प्रस्तुत है। अब बाहर आ गए हैं, उनके बाहर आने से माननीय उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला किया वो सराहनीय है, और बाहर आने के बाद जो भी वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे उसमें उनको बढ़ोतरी मिलेगी, न कि घटोतरी। दुनिया में और देश में सारे लोग जान चुके हैं कि सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को दबाना और मिटाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे ईडी के द्वारा हो, चाहे सीबीआई के द्वारा हो, या न किसी के माध्यम से। मेरी राय में आम आदमी को ही नहीं पूरे देश के आम आदमी को फायदा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो अपना कार्य करने की तरीका है वो बहुत अलग है। वहाँ शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, और वहाँ की जनता उनसे दिल से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं उनको अच्छा सीएम महसूस होती है, और उनको अंतिम मान पहले ही मिलना ही चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। अब मिली है तो मुझे खुशी हुई कि देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जब वो बाहर हैं तो कहीं ना कहीं इससे जनता को अच्छा लगा और अच्छा संदेश गया है। आम आदमी को फ़ायदा होगा क्योंकि इन्हें जमानत तो बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए, इंटरिम जमानत तो जल्दी मिल जानी चाहिए बस। और ये अपनी पार्टी में अगर मेहनत करते तो इनके सांसद भी ज़्यादा निकलने की संभावना थी। केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार के लिए जो 2 जून तक कोर्ट ने राहत दी है, इन्होंने बाहर आके जेल से जो प्रचार शुरू किया है उसमें इन्होंने बीजेपी के लिए निशाने पर लिया है। इसमें कहीं कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी योगी को हटाएंगे या फलाने को हटाएंगे, और रमन सिंह को हटाया कि शिवराज सिंह को हटाया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इन्होंने जो बीजेपी का प्रचार शुरू किया है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पक्ष में आ रही हैं, और पूरे बहुमत से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे बीजेपी को फायदा होगा, इनको कोई फायदा नहीं। तो दिल्ली के अंदर जो सर्वे आ रहा है वो सही आ रहा है। तो जनता घर में लेटी थी, बैठी थी, लॉकडाउन चल रहा था, उस समय इन्होंने अपने घर में इतना दाम पैदा करके दिया है। वहाँ पे शराब विभाग में 90% जांच हो रही है इसकी, और होगा ही
इन्होंने गलत किया है ना, ये समझ रहे थे कि कोई देखने वाला है नहीं, हमको लूटना है तो लूटेंगे। और आप दूसरी पार्टी को बता रहे हो कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का माहौल बनाया था कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनको पकड़ कर अगर जेल भेज दिया जाए तो वो अपने मैनिफेस्टो का उपयुक्त मंच से अच्छी बात नहीं कह पाएंगे और जनता को अपना मैनिफेस्टो नहीं बता पाएंगे। इस मंसूबे पर भारतीय जनता पार्टी सफल रही और उन्होंने राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को प्रताड़ित किया, उसी क्रम में कई युवाओं को प्रताड़ित करके जेल भेजा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार जैसा करे न्यायालय वैसा ही करे। न्यायालय ने जब देखा कि कोई केजरीवाल के विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं है तो उन्होंने उनको अंतिम जमानत दे दी है। वो प्रचार करेंगे और जनता सारे मुद्दों के बारे में जानती है और वो गठबंधन को वोट करेगा कि फायदा मिलेगा। देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का रिहाई का प्रश्न है या उनको जो इंटरिम बेल मिली है, निश्चित रूप से एक आम आदमी पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा, विशेषकर दिल्ली और पंजाब में जहाँ उनकी सरकारें काम कर रही हैं। और एक सिंपैथी वोट नेचुरली कहीं ना कहीं स्विंग करता है और इसका चूँकि एक वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो इसका भी इंडिया गठबंधन उनका भरपूर इस्तेमाल करेगा। एक IRS ऑफिसर है और जाहिर सी बात है कोई भी हो, चाहे पैरोल पे आए चाहे इंटरिम बेल पे आए, उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता ही है। और दो स्टेट में उनकी सरकार होने के साथ साथ एक सिंपैथी जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप पार्टी को बूस्टअप करेगा। और कुछ निर्विवादित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको इंडिया गठबंधन के लिए सपोर्टिंग के रूप में उनकी रिहाई एक सपोर्टर के रूप में काम आएगी और 2-4% ही सही स्विंग जरूर होगा। आम आदमी पार्टी की 30 सीटों में सीधा प्रभाव पड़ता दिख रहा है जो गुजरात में है, पंजाब में है और दिल्ली में है। अगर इन सीटों पर जो है देखा जाए और इन 30 सीटों में अगर केजरीवाल का कैंपेन सही रहा तो भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान हो सत्ता से बाहर पड़ता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक के घटक दल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंतरिम जमानत दी जिससे वह जनता के बीच जा सकें और इंडिया गठबंधन के उन तमाम घोषणा पत्रों में जो बिंदु हैं उनसे जनता को अवगत करा सकें। और ये अंतरिम जमानत, माननीय न्यायालय का यह फैसला लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और कहीं ना कहीं बताता है कि लोकतंत्र में और चुनाव में विपक्ष की भूमिका कितनी अहम है और इससे भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं एक आधारभूत स्तंभ की ज़रूरत थी जो कि केजरीवाल जी की रिहाई से विपक्ष को मिला है। तो इससे हम माननीय न्यायालय का के फैसले का स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं NDA गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को ये अवगत कराना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं कि अभी भी आप अपनी तानाशाही नीतियों को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक केजरीवाल की जमानत का सवाल है, ये कोर्ट ऑफ डिस्कशन वो है। अब हवा चल रही है, भाजपा बौखला गई है, दिल्ली में साफ हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में साफ हो रही है। अब वो बौखला रही है, अब सरकार PDA की बनने जा रही है। कोई नहीं रोक सकता है कि PDA को सरकार को किसी तरीके से रोक सके। अब ये परेशान है, इस समय पूरा भाजपा परेशान है कि आखिर में अब हम किस तरह से इस PDA से बचें। अब वो आडवाणी को चिल्ला रही कि हमको बचाओ, वो कहाँ से बचाए। और जहाँ तक 75 साल वाली बात आई थी, अब अपने लिए जब नियम बन गया कि 75 साल बाद हम जो है हट जाएंगे, अब नियम चेंज करेंगे। क्यों नियम चेंज करेंगे? आडवाणी जी थे तब क्या बात थी, मुरली मनोहर जोशी थे तब क्या बात थी, तब इनको 75 साल में सेवानिवृत्त कर दिया। अब आप क्यों नहीं होना चाहते हो? क्या जब आपका नंबर आए तो आप अपना टाइम बढ़ा लेंगे? केजरीवाल दिल्ली में ही नहीं, जहाँ जहाँ उनके पदाधिकारी खड़े, जहाँ जहाँ भी उनके प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको पूरी पूरा लाभ मिलेगा और दूने मतों से जीतेंगे। आप ये समझे, आधे से और अधिक मतों से जीतेंगे। उनकी तो जीत बहुत है, इनकी 150 सीट नहीं आ पाएगी। ये दिल्ली से साफ हो गए पूरी तरीके से, हरियाणा पंजाब से भी साफ हो जाएंगे। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ से साफ कर देंगे इनको, पूरी तरह से साफ हो गई। और जो देश का रास्ता, जो केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, वो पूरी तरह से PDA ने रोक रखा है। ये कतई अब ये
परेशान हो जाएंगे। ये अब ईडीए का डर दिखा रहे लोगों को, अरे कोर्ट ने साहब कह दिया, कहीं ईडीए का ईडीए कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाई इस बेचारे के खिलाफ, इनको अकारण इनको बंद कर दिया अपने को बचाने के लिए। लेकिन कोर्ट ने न्याय दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका आज भी सम्मानित है और सम्मान करने की आदत रही है। फायदे की बात यह है कि फायदा तो हो चुका पूरे देश को और इसका लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम फायदा होने ही वाला है, क्योंकि षड्यंत्रकारी भाजपा ने जो ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी करवाई थी, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। इससे भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले समय में पूरे देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पसंद कर रही है, आने वाले समय में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जो इन्होंने शिक्षा जगत और रोजगार और बिजली जैसी समस्याओं को निदान करने का काम किया है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सराहनीय है। इससे पता चलता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी को जो पीएम मोदी ने जो है जेल में डाला था, उससे उन्हें एहसास हो गया था कि अगर उनका कोई ध्रुवरोधी और उन्हें टक्कर देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो केजरीवाल है, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चिकित्सा, अन्य सभी क्षेत्रों में काम किया है। आम जनता की जरूरतें उनको समझने का काम केजरीवाल ने किया है। अगर ये व्यक्ति हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव तक पहुंच जाए तो ये समझ लो एक नए भारत का जो है उद्घोष होगा, जिससे कि आम जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इन्हीं चीज़ों से डरकर जो है योगी और बीजेपी सरकार ने जो है ना जेल में डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बड़ा ही सराहनीय है। इससे जो है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। दिल्ली की 7-5 सीटें हैं, पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी खो रही है। रिंकिया के पापा जो है गाना गाएंगे। कुल मिला के जो है आम आदमी पार्टी का विस्तार केजरीवाल घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो राशन की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, गरीब महिलाओं को गाड़ियों में फ्री किराए की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें जो है केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी देने का काम कर रही है। और ऐसी सरकार को जो हर राज्य, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, उससे आम आदमी पार्टी को बेहद ही फायदा होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो भारतीय संविधान के अनुकूल दिया है। जनता के अंदर भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम नीरज गुप्ता है। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, आज रोड शो कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा बाहर आ गए, तो इधर जीत हुई और उनकी, बीजेपी वाले हार गए, इसके लिए कि दो नंबर तरीके से वो जो अंदर करा था ये गलत किया था उनके साथ, इन लोगों ने तो मांग जो थी उनकी गलत थी, ये जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं गलत कर रहे थे, ये खुद भ्रष्ट है बीजेपी वाले, उनके बारे क्या बोलेंगे। ये इतना भ्रष्ट नेता हो चुके हैं सारे सारे, एक नहीं, वोटों के बारे में तो कैसे कह नहीं सकते कितने वोट हो जाएगा, मगर ये है कि आम पार्टी यहाँ से निकल जाएगी, दिल्ली से निकल जाएगी, हरियाणा से निकलेगी, पंजाब से निकलेगी, और गुजरात से भी कुछ सीट लेके आएगी, मध्य प्रदेश से भी सीट लेके आएगी, जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत अच्छी सीटें लेके आएगी। गठबंधन के अंदर ये है, जैसे कह रहे हैं बीजेपी वाले 400 पार, ये 400 पार नहीं, ये 250 भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये 210 भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये मतलब आप क्या कहोगे, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, क्या आपकी राय? बहुत अच्छा हुआ है, कम से कम एक अपोजिशन, सशक्त अपोजिशन चाहिए, क्योंकि अगर इनके खिलाफ अगर कोई बोले तो इनकी सारी एजेंसियों को बदनाम कर दिया, सिंपल सी बात। नहीं तो एक समय लगता था ना कि ईडी सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, बट यहाँ क्या है कि ना दोनों लोग चोर हैं, मगर सेलेक्टिव चोर है, यहाँ तो उनको चुनेंगे एक को छोड़ेंगे, जो बीजेपी में ज्वाइन कर लिया वॉशिंग मशीन हो गया। एम्प्लॉयमेंट पे बात मत करो, महंगाई पे बात मत करो, मतलब बात किस पे करें, लोगों को रोजगार देने के नाम पे नहीं कुछ करना, बात करने हो सिर्फ हमने, आप एक मंदिर बनवाए हो, मंदिर एक पूजा की जगह है, पूजा से किसी का पेट तो भरेगा नहीं, तो मैं भी श्रद्धा रखता हूँ उस मंदिर में, बट उसके बिहा पर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। जो बेसिक चीज़ें हैं, आप चाहे स्टेशन पर चले जाइए, वंदे भारत, 4 वंदे भारत चल रही है, रेल बजट ख़त्म कर दिया, जो ट्रेनें चलती थी, आज जाइए स्लीपर ट्रेनें, स्लीपर जनरल तो खत्म ही हो चुका है, आप उसमें मतलब कॉमन मैन के लिए अब है ही नहीं रेल भी, पहले होता था सर्विस सेक्टर, यही सेवानगर रेलवे स्टेशन है, 4-5 पैसेंजर चलती थी, सब बंद है। भाजपा भी कई वादे करती हुई नजर आ रही है। देखिए भाई साहब, वादे तो बहुत करते हैं ना, पिछले बार भी ना, अभी समझ में नहीं आता गारंटी किस चीज़ की गारंटी लेते हो आप, एक तो बताओ गारंटी किस चीज़ की गारंटी है। एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो,
हम तो मैं बोलता आप कुछ सब कुछ महंगा कर दो, लोगों को रोजगार दो। राजधानी जैसे शहर में लोग 8,000-10,000 रुपए के लिए भाग रहे हैं, आप किस कैसे सरवाइव करेंगे? आपके वंदे भारत, आपके हाईवे कैसे चल पाएंगे हम? अंकल जी क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बाहर आ गए हैं, क्या कहा आपकी? बहुत बढ़िया आ गया, तो आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो तानाशाही होगी, हिटलर चाहिए होगी, हिटलर चाहिए के अंदर कोई किसी को उठा के बंद कर दे तो कोई वो चीज थोड़ी ना कोई। लेकिन भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, ईडी लगा रही थी, आरोप ईडी लगा रही, वो लगा रही, दो साल हो गए इसे लगाते लगाते, आज तक कोई प्रूफ तो किया नहीं। सर्वे से आरोप लगाए जाए, कितने लगाए जाए, जो कोई किसी के ऊपर मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूँ तो क्या है? इसे प्रूफ तो करूँगा पहले मैं, बिगैर प्रूफ करे किसी को मैं ऐसे अंदर कर दूँ उठा के? ये तो ताना से हिटलर क्या ही होगी, अगर जो हिटलर जो किया करता था पहले वो हिटलर वाली होगी, कि जिस मर्जी उठा के बंद कर दो, जिस मर्जी उठा वो कर दो। बाबा बीजेपी का ऑलरेडी चल रहा है, उनका इमेजन अभी अच्छा है, उनके बाहर आने से पब्लिक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो जो कुछ किया है वो ईडी जानती है या हमारे इन्फोर्समेंट जानती है या सीबीआई जानती है कि उसने क्या किया है, कुछ ना कुछ तो किया है, उसका जो भी है इफेक्ट या जो भी है वो अपना देखेंगे वो।